जमात इस्लामी हिंद की एक कैंपेन है, मजबूत खानदान मजबूत समाज, सशक्त परिवार सशक्त समाज। जी जी। तो इस नवान के तहत या इस हवाले से हम तमाम की ख्वाहिश ये थी कि आपसे भी कुछ जो है इस्तेफादा करें, आपके विचारों को जानें। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हम नादरीन को पहले बता दें कि हमारे सामने डॉक्टर संदीप पांडे जी हैं जी आदाब, और आप जो है मुख्तलिफ समाजी और दूसरे कामों में सरगर्म रहते हैं, आपको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। तो आज इस मौके से हम लोग आपसे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हम इस बात पे चर्चा यहाँ पे शुरू करते हैं। सर, परिवार जो है, आपने भी पूरे संसार के एक तरीके से दौरा किया है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक अच्छा परिवार या संस्कारी परिवार किसको कहा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि परिवार एक एक प्राकृतिक इकाई है, क्योंकि ये कहीं लिखा तो है नहीं कि भाई आदमी औरत को शादी करनी चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए और वो एक परिवार के रूप में रहें। लेकिन परिवार का यही रूप पूरी दुनिया भर में निकल के आया है, कुछ अपवाद छोड़ दें, लेकिन मोटा मोटा यही कि आदमी औरत बच्चे। और ये बड़े मुझे कई बार आश्चर्य लगता है कि ये कहीं किसी संविधान में नहीं लिखा है, किसी नियम को इसका नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में परिवार इसी को माना जाता है, एक एक तरीके से अकथित अलिखित है ना अवधारणा है परिवार की। तो व्यक्ति के बाद परिवार एक इकाई होती है समाज में, और ये प्रकृति की इकाई है, और परिवार में रहना मनुष्य की आवश्यकता है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। हमारी देखिए, एक तो होती हैं भौतिक ज़रूरतें, रोटी कपड़ा मकान टेलीफोन चलने फिरने के साधन, लेकिन एक उससे बड़ी ज़रूरत होती है, बड़ी तो मैं नहीं कहूँगा, बराबर की ये दोनों ज़रूरतें हैं, क्योंकि दोनों में से एक भी अगर पूरी नहीं होगी तो इंसान कष्ट में रहेगा। लेकिन यह है कि दोनों एक दूसरे की सहायक हैं। दूसरी ज़रूरत इंसान की यह है कि उसका जो जो उसको कुछ लोग आत्मा कहते हैं, कुछ उसको चैतन्य कहते हैं, कुछ रूह कहते हैं, मतलब हमारे अंदर एक एक जो भौतिक के अलावा जो चीज़ है ना, जी जी, और वो इंसान की विशेषता है। बाकी पशु पक्षियों में अभी है उतना नहीं है, पशु पक्षी इंसान से फर्क इस मायने में है कि उनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोलना पड़ता जी, है ना, वो जो उनको करना होता है दुनिया में वो सब सीख के आते हैं, और इंसान के बच्चे को ये सीखना पड़ता है कि वो समाज में कैसे रहे जी। तो हम एक परिवार में रहते हुए एक दूसरे की जो हमारी शरीर के अलावा जो आवश्यकता है, जो संबंधों की आवश्यकता है हम कहेंगे, और संबंध मतलब प्रेम पे आधारित संबंध, मतलब झगड़े वाला संबंध नहीं, तो जो प्रेम पे आधारित संबंध है वो हमारे जो शरीर के अलावा जो हम हैं उसकी आवश्यकता को पूरा करता है। और इसीलिए इंसान जो है जब पूरी दुनिया से जब परेशान हो जाता है बाहर, तो वो शांति के लिए परिवार में ही आता है, परिवार में। और दूसरी एक खास बात परिवार की है कि परिवार पे बाजार के नियम लागू नहीं होते। हम बाहर जो है ये हम अपना घाटा मुनाफा देखते हैं कि क्या काम करने में हमको कितना घाटा हो रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है, लेकिन परिवार के अंदर अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हम अपना खेत बेच के भी इलाज कराएंगे जी जी, तब हम उसमें घाटे मुनाफे की चिंता नहीं करते। ये महत्वपूर्ण बात है, तो क्योंकि परिवार में संबंधों से हमें हमारे जीवन में सुख शांति मिलती है, और वो हमारी एक ज़रूरत है। सर, आपने जो कुछ बताया है अभी, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले के मुकाबले में जो हमारा परिवार था, संयुक्त परिवार कहेंगे तो उसमें माँ बाप और दादा दादी, विस्तृत परिवार कहेंगे तो उसमें चाचा चाची ताऊ वगैरह सब जुड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि वो जो परिवार एक ऐसा समाज का अभिन्न अंग था कि उसमें तमाम बच्चों का एक तरीके से समाजीकरण होता था। आज जो है हम एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि इस एकल परिवार में जो है जो व्यक्तिवाद की बात है, या है? मतलब
वो चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है जी, और जिसके वजह से हम देखते हैं कि समाज में भी इसका असर होता है। तो इस बारे में आपके विचार? देखिए दोनों पहलू हैं, है ना। जो बड़े परिवार होते थे, ये बात सही है कि उसमें बच्चों का समाजीकरण होता है। मतलब हम, मैं और मेरी पत्नी ने भी हमारे माता पिता के साथ रहने का फैसला जो लिया, उसका एक मुख्य कारण ये था कि जब हमारे बच्चे बड़े हों जी तो एक संयुक्त परिवार में बड़े जी, जी उससे उनको सुरक्षा ज़्यादा मिलेगी जी। लेकिन संयुक्त परिवार में हर एक कोई सुखी से रहता था, ये भी बात सही नहीं जी। जी भाई, पांडवों कौरवों की कहानी जो सब लोग जानते हैं, एक मतलब 100 भाई थे, एक में 5 थे, हाँ। और आप देखें कि वो मिल के नहीं रह पाए और भीषण लड़ाई, तो झगड़ा उस परिवार में भी हो सकता है, और दो पति पत्नी भी साथ नहीं रह सकते हैं। अगर उनकी नहीं निभेगी तो तलाक लेना पड़ेगा जी, जी। तो फायदा नुकसान दोनों है। फायदा ये है कि उसमें सामाजिक मूल्य आसानी से मिलते हैं, और जो जिसको आप न्यूक्लियर फैमिली कह रहे हैं उसमें वो चूंकि इंसानों के बीच इतना इंटरेक्शन नहीं होता है, भाई पिताजी काम पे गए हैं, माँ अपने कामों में व्यस्त है, बच्चे को समय नहीं दे पा रही हैं, तो बच्चे का समाजीकरण नहीं हो पाता, ये बात आपकी सही है। लेकिन दूसरी तरफ इंसान का व्यक्तित्व को निभरने का मौका मिलता है, उभरने का मौका मिलता है, और ख़ास करके महिलाएं संयुक्त परिवारों में, देखिए महिलाओं के ऊपर काफ़ी बंदिश थी जी, तो वो जो है महिला को न्यूक्लियर फैमिली में आज़ादी ज़्यादा मिलती है, वो नौकरी भी करने जाती है, वो अपना अपने हिसाब से जो है वो अपना जीवन जीती है, जो शायद वो सास ससुर और बाकी परिवार वालों के साथ में रहते हुए न जी पाए। तो इसके दोनों पहलू हैं। सर आपने भी पत्नी पर या औरतों पर जो जिम्मेदारी की बात कही, तो ये बात तो सही है कि हम जब तक दोनों बराबरी इसका हिस्सेदारी नहीं होगा, समाज सही चल नहीं सकता। तो ऐसा नहीं लगता कि जो घर के जो जिम्मेदारियां थी औरतों की, उसके मुकाबले में या उसके अपेक्षा में बाहर की जिम्मेदारी उन पर ज्यादा दी जा रही है, यानी एक तरीके से आर्थिक बोझ भी उन पर बढ़ा दिया गया है जी। जी तो इसको हम कैसे फेस करें? अब वक्त की जरूरत भी है। हाँ, इसके दोनों पहलू हैं, जैसे उसके दोनों पहलू थे संयुक्त परिवार और न्यूक्लियर फैमिली, इसके भी दोनों पहलू। कि एक तो बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि अभी भी हमारा समाज पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत की बात नहीं, वो पितृसत्तात्मक समाज ही है जी, जिसको पेट्रियार्कल कहते हैं। तो खाना बनाने का काम अधिकतर घरों में अभी भी महिलाएं ही करती हैं जी, जी। जहाँ बराबरी भी है वहाँ भी जी, मतलब ये मान लिया गया है कि खाना तो औरत ही बनाएगी, और आप सही कह रहे हैं, अब वो बाहर भी जा रही है काम करने, तो बोझ तो उसका बढ़ गया। और ये सिर्फ शहरों की बात नहीं है, गाँव में भी अभी किसान आंदोलन चल रहा है जी। एक बड़ा सवाल इसमें उठ रहा है कि औरतें कहाँ जी, क्योंकि कुछ आकलन ऐसे हैं कि आधे से ज़्यादा काम खेती किसानी और खास करके जानवरों को देखने का वो औरतें ही औरतें कर रही हैं, है ना। तो लेकिन जब आप किसान कहते हैं तो दिमाग में छवि आदमी की आती है जी। ये जो 40 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है मिलने के लिए जी, जी इसमें कितनी औरतें हैं आप बताइए, है ना। तो पितृसत्तात्मक समाज है, इसलिए बोझ महिलाओं के ऊपर ज़्यादा है। लेकिन दूसरा पहलू जो मैंने पहले भी कहा कि औरत को आज़ादी मिलती है और आज़ादी उसे पसंद है, तो कई बार वो ये जो आज़ादी उसको मिली है बाहर जाने की, अपने मन पसंद अपना मन पसंद काम करने की और अपने स्वतंत्र रिश्ते बनाने की, हाँ। नहीं तो परिवार में तो एक बार जब शादी हो गई तो फिर उसके सारे जो रिश्ते हैं वो पति के माध्यम से ही हैं जी। तो मतलब भाभी तो वो तभी होगी किसी की जब कोई बीच में भैया होंगे ना, सीधा रिश्ता नहीं बनता। तो वो अपने स्वतंत्र तरीके से जी सकती है, तो कई बार उसको ये अखरता नहीं है कि चलो घर का काम है लेकिन कम से कम हमें आज़ादी भी मिल रही है। तो इसके दोनों पहलू। सर एक चीज़ ये भी है कि
ये इसको आप कितना जिम्मेदार मानते हैं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था आ रही है या हमारे ऊपर बहुत ज्यादा सर चढ़ के बोल रही है, तो इसने हमारे पारिवारिक सिस्टम को मुतासिर किया है? जी जी, पूंजीवाद ने, और खास करके पूंजीवाद का जो जो प्रभाव हमारे व्यवहार पे पड़ता है वो है, जिसको कहते हैं उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। तो कंज्यूमरिज्म ने हमको बुरी तरह जकड़ा है, ये बात सही है। और हम जो है तमाम तरह के बाजार के उत्पादों के बीच में उलझ के रह गए जी। मतलब अब जो है बच्चे क्रिकेट भी लैपटॉप पे ही खेल लेते हैं, लैपटॉप पे खेल मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो ये तो वाकई में एक एक बड़ा नुकसान हुआ है कि परिवार में रह भी रहे हैं लेकिन सब लोग अपने अपने कमरे में लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, बात भी करनी है तो एक दूसरे को मेल भेज रहे हैं। तो ये जो एक सामाजिकता थी, इसको तो उपभोक्तावाद की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। इसमें सर इसकी जिंदा मिसाल ये है, अभी मैं रोड से आ रहा था, इसके तीन घर पहले और तीन घर बाद में पूछा कि भाई डॉक्टर साहब का मकान कौन है, तो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि ये एक मिसाल नहीं है बल्कि एक सच्चाई है कि गांव देहात में अभी भी अगर हम फला गांव के आदमी के बारे में पूछे तो लोग बता देंगे, नहीं बताएंगे नहीं, वो आपको छोड़ के आएंगे। और यहाँ शहरों का मामला ये है, तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो नगरीकरण हुआ है उसने भी हमारे पारिवारिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाया? हाँ ये बात है कि, लेकिन आप देखिए, आप सब सवाल ऐसे पूछ रहे हैं जिसके दो उत्तर है। तो ये बात सही है कि आप कॉलोनी में पूछेंगे तो शायद आधे से ज्यादा लोग ना बता पाए, लेकिन दूसरा ये इसका एक फायदा हुआ है कि गांव में जो जाति व्यवस्था थी है ना, वो टूटी है। ये एक बड़ी दिक्कत थी गांव की जी। गांव में जानते तो सब हैं एक दूसरे के बारे में जी, लेकिन जाति के आधार पे भेदभाव होता है जी, है ना। शहर में ये बात नहीं है जी जी। गांव में किसी दलित की ये हिम्मत नहीं होगी कि वो जाके किसी ऊंची जाति के यहाँ मतलब बिना काम के ऐसे ही बात करने चले जाए और जी, हाँ वो साथ में बैठ के चाय पिए, वो आएगा तो वो जमीन पे ही बैठेगा अगर ऊंची जाति के यहाँ गया। लेकिन शहर में ये बात नहीं, शहर में वो अगर कोई दलित भी है तो वो हमारे घर में उसी तरह से आएगा जैसे कि कोई सवर्ण आएगा, और उसको उसी कप में चाय दी जाएगी जिसमें कि सवर्ण को दी जाएगी। तो ये जाति वाले बंधन जो है, ये ऊंच नीच की भावना, ये खत्म शहर में टूटी। तो नगरीकरण का ये फायदा हुआ है कि ये टूटा है, और होटलों में कोई आपसे आपकी जाति नहीं पूछता है, नहीं तो गांव में, यहाँ तो नहीं है मध्य प्रदेश में, तो अभी भी गांव की चाय की दुकानों पे दलितों को वो चाय के जो कप होते हैं या तो अलग होते हैं या वो कप उनको खुद धोने पड़ते हैं। तो ये गांव की अपनी समस्या है, गांव के अपने फायदे हैं और शहर की अपनी समस्या अपने फायदे हैं। सर इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो पारिवारिक सिस्टम का भी आपने तस्करा भी किया है कि आधुनिक ये जो टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोग जो जी रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी ने ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों को संचार का माध्यम तो बहुत ज्यादा बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद आपस में दूरियां हैं। दूरियां इस तरीके से अब कि बच्चा पहले जो शाम में खेलने क्रिकेट या कोई भी खेल जाता था, 10-12-15-20 इकट्ठे होते थे एक दूसरे, खेल के दौरान बहुत सारी चीजें सीखते थे, लेकिन अब उसको मनोरंजन के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर के कोने में वो जी जी तो मनोरंजन ले ले रहा है जी। तो उसका जो वहां से जो सामाजिकरण हुआ वो खत्म हुआ, तो टेक्नोलॉजी इसमें इस चैलेंजों का सामाजिकरण ही नहीं खत्म हुआ, बल्कि बहुत जो हमारे शरीर के लिए भी ये ठीक नहीं है कि हम घर पे बैठे ही रहें और हम बाहर ना निकले। मैं इस उम्र में भी शहर के ज़्यादातर इलाकों में मैं साइकिल से जा सकता हूँ जी, और ये मुझे लगता है इसलिए हुआ है क्योंकि बचपन में मुझे याद है हर एक शाम को हम या तो क्रिकेट खेलने जाते थे या स्विमिंग करने जाते थे, सुबह दौड़ने के लिए भी जाते थे, है ना। तो बाहर जो निकलते थे और खेल कूद में हिस्सा लेते थे, वो तो उससे शरीर कम से कम स्वस्थ है,
लेकिन आप अगर कंप्यूटर के सामने बैठे हैं सारा दिन, तो फिर आपको वो घर में खड़ी वाली साइकिल चलानी पड़ेगी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आप बाहर तो आप गाड़ी से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, और घर में खड़ी साइकिल चला रहे हैं। इससे भाई इससे अच्छा भैया साइकिल ही चलाओ ना बाहर, पेट्रोल भी बचेगा और तुम्हारा किराया भी बचेगा। सर एक आखिरी सवाल हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि एक तो भारतीय परिवार जत्था और एक हम ये कहेंगे कि वेस्टर्न या मगरबी, वो तो दोनों में क्या फर्क था हमारे और उनमें, क्योंकि पारिवारिक परंपरा तो हमारे पास थी। हमारे में पारिवारिक मूल्य जो है वो ज्यादा मजबूत है जी, तो कुछ मूल्यों की तरफ निशानदेही नहीं। जैसे हमारे बच्चे हैं तो जब तक वो खुद अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते तब तक ये माना जाता है हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है उनको पालना पोसना। और दूसरा ये है कि हमारे जो संबंध होते हैं उन्हें हम आसानी से तोड़ते नहीं जी, हमारे पिता के साथ, पिछली पीढ़ी के साथ, या जो अगली पीढ़ी है, या पति पत्नी के संबंध हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको निभाएं जी। पश्चिम में ऐसा नहीं, पश्चिम में बच्चा 14-15-16 साल का हुआ तो मर्जी का मालिक, उससे नहीं, उससे अपेक्षा भी की जाती है कि वो अब स्वतंत्र हो, अब जाए कहीं कमा धमा के अपनी फीस वीस भी अपने आप ही भरे कॉलेज की, है ना। और दूसरा ये है कि पति पत्नी का जो संबंध है वो कितना टिकाऊ रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मतलब कई मामले ऐसे होते हैं कि साथ में रहते हैं, शादी नहीं की, काफ़ी लंबा समय रहने के बाद भी जो है रह रहे हैं साथ में, शादी हुई और फिर शादी टूट गई। तो जितनी आसानी से शादियां टूट जाती हैं वो, क्योंकि उससे कुल मिला के देखिए इंसान मानसिक रूप से सुरक्षित नहीं रहता है, क्योंकि इंसान की जैसा मैंने कहा कि एक आवश्यकता है कि उसे दूसरे इंसानों के साथ प्रेम के संबंधों में रहना है, वो रहेगा तभी वो सुखी रहेगा, खुश रहेगा, सुखी रहेगा। और अगर आप अपने संबंध ही नहीं निभा पा रहे हैं तो फिर जिंदगी में तनाव रहेगा। तो इसीलिए आप देखें कि वहाँ के समाज में हिंसा ज़्यादा है, हिंसा ज़्यादा है, और जो ये नशीले पदार्थों का सेवन और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा है, क्योंकि इंसान अकेला रहेगा तो जाहिर है कि वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा पड़ेगा। सर हिंसा की बात की आपने तो अभी हम सब लोग इससे मुतासिर हैं जी, कि जो बच्चियों के साथ या लड़कियों के साथ ज़्यादती बढ़ती जा रही है, जिनसे जरायम, रेप, छेड़छाड़ की घटनाएं होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और इसी से और आगे चलें तो देखते हैं कि मतलब ये क्रूरता की हद है कि एक शख्स किसी लड़की को छेड़ रहा है या मार रहा है या किसी शख्स को मार रहा है और दूसरे लोग वीडियो बना रहे हैं जी जी जी, तो इससे कैसे निपटा जा सकता है। नहीं, ये तो अपने समाज की एक बहुत मैं कहूँगा बड़ी बुराई है। और मुझे एक बार योगेंद्र यादव जी के साथ था मैं एक डिस्कशन में, तो इन्होंने पूछा था अपने जो सरदेसाई जी हैं, राजदीप सरदेसाई जी ने जी, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो समाज की जो आपको सबसे परेशान करती है। तो मैंने यही कहा था कि जो लड़कियों के साथ हिंसा होती है और ख़ास करके परिवार के अंदर, तो बड़े शर्म की बात है कि हम मानते हैं कि हमारा समाज वैसे तो उसमें पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य बहुत मजबूत है, लेकिन लड़कियों के साथ, औरतों के साथ हिंसा होती है, यौन हिंसा होती है, घर के अंदर भी होती है, लड़कियां कह नहीं पाती हैं, और इस तरह की भी घटनाएं होती हैं जैसे आप कह रहे हैं कि सामूहिक बलात्कार हो रहा है और उसको वो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आदमी की विकृत मानसिकता है जी जो दिखाई पड़ती है, और इसके लिए मैं यही कहूँगा कि हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था है, दोनों पारंपरिक परिवार के अंदर जो शिक्षा मिलनी चाहिए और जो हमारे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में मिलनी चाहिए, ये दोनों ही दोषी हैं कि हमारे बच्चे बच्चियों में ये स्वस्थ मानसिकता नहीं विकसित कर पा रही है कि हम लड़की लड़के के रूप में हम एक स्वस्थ रिश्ता रख पाएँ। ये चीज़ हमारा सिवाय नहीं सिखाता है, ये इसमें एक भारी कमी है।
और एक बार ये इस तरह की चीज़ें अगर सिखाई जाएंगी बच्चों को शुरू से तो हमारी हमारी मानसिकता विकृत नहीं रहेगी और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन एक दूसरी बात मैं इससे जोड़ के कहूँगा, जो इसका दूसरा पहलू है वो ये है कि हिंसा तो पहले भी होती थी लड़कियों के साथ और औरतों के साथ, पहले परिवार की इज्जत के नाम पे उसको दबा दिया जाता था। अब कम से कम बहुत सारी लड़कियां महिलाएं हैं जो अब खुल के बोल रही हैं और इसलिए हमको अब ये ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो ये एक अच्छी बात हुई है कि हमने कम से कम स्वीकारा है कि महिलाओं के साथ, और कल जो जजमेंट आया वो भी बहुत अच्छा है जो MJ अकबर और प्रिया रमनी वाला, तो अकबर साहब ने कहा था कि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, मानहानि का मुकदमा किया था कोर्ट ने, ये कहा कि औरत की इज्जत से बड़ी उनकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती ना, तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। और हमारे हमारे कानून बन गए हैं लड़कियों की सुरक्षा के लिए कि सिर्फ बलात्कार ही नहीं, अगर आप उनको गलत नज़र से देख भी लें तो उस पर भी सज़ा हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये घटनाएं तभी रुकेंगी जब आदमियों की नज़र ठीक होगी, जब उसमें वो लड़कियों को महिलाओं को एक सिर्फ यौन संबंध की दृष्टि से नहीं देखेंगे बल्कि एक सहयोगी, एक सह नागरिक के रूप में देखेंगे। तो सर ये चीज़ तो परिवार में जो संस्कार होंगे उसी जरिए से मिलेंगे, वरना कानून तो आए दिन आ रहे हैं और लेकिन उसके बावजूद जो है घटनाएं होती जा रही हैं। नहीं, परिवार के संस्कार से भी मिलेंगे और लेकिन कानून का भी रोल है इसमें जी, क्योंकि जो ये घटनाएं रुकी हैं उसमें कहीं ना कहीं कानून का योगदान है। अब आदमियों को मालूम है कि आप नहीं तो आप याद कीजिए, पहले यहाँ लखनऊ शहर में लड़कियों के लिए बस में चलना मुश्किल था, मतलब एक समय ऐसा आ गया था कि बीच में बस में जाली लगा दी गई थी कि आगे लड़कियां औरतें रहेंगी क्योंकि वो लड़के जो है छेड़खानी करते थे। लेकिन आज ये हिम्मत नहीं है, क्योंकि आज अगर आप छेड़खानी करेंगे किसी लड़की के साथ और उसने अगर चिल्ला दिया या सार्वजनिक रूप से कह दिया कि आप उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो वहाँ जो है तमाम लोग होंगे जो लड़की के पक्ष में खड़े होंगे। सर आखिर में मैं अपने दर्शकों से के लिए जो है कुछ आपके सुझाव और नौजवान लड़के लड़कियों के लिए जो हमारे साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए सुझाव, इसी तरह गार्जियन के लिए भी सुझाव जी जी, कि चूँकि परिवार एक समाज की एक कड़ी है और वो सही होगा तो समाज सही होगा जी, तो कुछ सुझाव। नहीं, सुझाव यही है कि लड़के लड़कियों को बराबर माने जी, शिक्षा तो दें ही, शिक्षा दी जाती है, लेकिन उन वो साथ में कैसे स्वस्थ संबंधों में रह सकें ये हमको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो और लड़कों को के लिए सीखना ज़रूरी है कि लड़कियां भी उन्हीं की तरह एक इंसान हैं जिनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, वो कोई इस्तेमाल की वस्तु नहीं है। अभी भी हमारा समाज का जो पितृसत्तात्मक नज़रिया है वो उनको वस्तु के रूप में ही देखता है, और वो भी एक, उनको भी पूरा अधिकार है एक स्वतंत्र इंसान के रूप में जीने का जितना कि लड़कों को है। तो ये स्वस्थ रिश्तों को विकसित करना पड़ेगा हमारे समाज में, और ऐसा समाज बिल्कुल बन सकता है जिसमें कि हम इज्जत करें एक दूसरे की, जो ऊंच नीच की भावना है वो ख़त्म हो, हम किसी के ऊपर अपना कोई इस तरह का अधिकार ना माने कि वो हमारी संपत्ति है। ऐसे कई बार होता है किसी लड़के लड़की में इश्क हुआ और वो लड़का नहीं चाहता कि अब वो लड़की किसी और मर्द से बात करे तो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी गड़बड़ी पैदा करती हैं। भाई आप लड़के हैं, आप चार लड़कियों से बात कर सकते हैं, तो वो लड़की का भी अधिकार है कि चार लड़कों से बात कर सकते हैं। तो प्रेम का संबंध ऐसा होना चाहिए कि उसमें विश्वास हो एक दूसरे के ऊपर, और बाकी हम स्वतंत्र रूप से इंसान एक दूसरे को इज्जत की निगाह से, इज्जत के बराबरी का व्यवहार जब रहेगा तो
वो चीज आएगी समाज में। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही कीमती समय हम लोगों को दिया जी, और आइंदा भी हम आपसे जो है नहीं बिल्कुल इस्तेफादा करते रहेंगे। बिल्कुल साथ ये हम लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे जो है बातचीत की, और उम्मीद है कि इस तरह से अगर खुल के बात होगी तो निश्चित रूप से हमारा समाज ज़्यादा बराबरी वाला, ज़्यादा मानवीय बनेगा।